हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट ऑलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देनी है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है जब हमारे गिवन सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी मेरा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को मैं हीट कर रहा हूँ तो उसके वेपर्स जो हैं वो बन रहे हैं। इक्विलिब्रियम के टाइम पे वेपर प्रेशर जो है वो हमारे सॉल्यूशन का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूँगा, बॉइलिंग पॉइंट बोल दूँगा। जनरली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम हमारे सोलवेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करके एक सोल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमें प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्यूशन देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। अब इसका रीज़न देखो क्या है, बड़े एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये मेरे पास मेरा सोलवेंट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका प्रेशर है पी नॉट। जब मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो जब मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लोअर हो जाएगा। वेपर प्रेशर जो है वो हो गया लोअर, समझ रहे हो ना। तो पहले जो वेपर प्रेशर हमारे पास आ रहा था, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो उससे थोड़ा सा कम हो गया। सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट है मेरा इस पॉइंट पे। अब सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट जाने के लिए मुझे चाहिए होगा टेम्परेचर कम और सॉल्यूशन से बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के लिए मुझे चाहिए होगा टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। यही मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से कम होगा एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसलिए द सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड मोर टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्वेंट जो था उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वहां पे होती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसकी वजह से हमें हमारे सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि हमारा वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आ जाए। इसलिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ वाया ग्राफ, तो इसको फिर आप देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो बनाया हुआ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे टेम्परेचर मैंने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर लिया हुआ है वाई एक्सिस पे। आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन वाली कर्व जो है वो ए बी उसको ऊपर दिखाया और सॉल्यूशन वाली जो कर्व है सी डी उसको नीचे दिखाया। क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये ऊपर बनेगी हायर वैल्यू पे और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है इसलिए वो नीचे बनेगी लोअर वैल्यू पे। अब आप ये देखो, सपोज करो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पॉइंट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जो हमारी लाइन है वो सॉल्वेंट को कट कर रही है ई पे और सॉल्यूशन की कर्व को कट कर रही है वो एफ पे। तो आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो जो ई पॉइंट है वो लोअर टेम्परेचर पे आ रहा है और जो एफ पॉइंट है वो हायर टेम्परेचर पे आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। इन दोनों के बीच में, यानी कि जो हमारे टेम्परेचर हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों टेम्परेचर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो है डेल्टा टी बी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर टी नॉट बी एंड टी बी, द डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास हमारे डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई टी बी माइनस टी नॉट पी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। फिर अब नेक्स्ट इसके डिस्कस करते होते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में देखो हमने क्या बोला,
द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन एंड रिलेटेड टू मोलैलिटी। जो हमारी ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन के। तो जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कॉन्स्टेंट लगाऊंगा, ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा मेरा के बी। के बी कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं? मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। और इसका हमारे पास एक और नाम भी है, वो है हमारे पास इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो इसके दो नेम्स होते हैं, दोनों नेम्स हमें पता होने चाहिए। के बी को हम बोलते हैं मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब मुझे ना इस के बी की जो है वो डेफिनेशन देनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सपोज करो मेरे सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 1 आ रही है। अगर मेरे सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 आएगी तो डेल्टा टी बी जो है वो के बी के बराबर हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे आगे किया हुआ है। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। इसका मतलब क्या डेफिनेशन हुई कि मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट when molality of the solution is unity। तो ये हमारे पास हमारे molal elevation constant की definition आ जाएगी। Next फिर हमारे पास आ जाता है calculation of molecular mass of solute। ये colligative property जो है हमारी elevation in boiling point, इसको use करके मैं मेरे solute का molecular mass कैसे निकाल सकता हूँ वो देखो। मेरे पास delta Tb की value है Kb into m, यानी कि m यहाँ पे हमारा molality है। मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि N2 डिसॉल्वड इन द अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजीज। यहाँ पे मेरी अमाउंट ऑफ सोलवेंट जो है वो ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया और वो 1000 मेरा ऊपर चला गया। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? N2 जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये 1000 जो था हमारा 1000 बाई W1, ये मैंने एज इट इज़ रख दिया। तो इस सब से मैं क्या करूँगा, M2 को ले जाऊँगा ऊपर और डेल्टा TB को ले जाऊँगा नीचे। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2, W2 है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू W1। तो ये थी हमारी मोलिकुलर वेट निकालने की एक्सप्रेशन। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा टू कंक्लूड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो जो डेल्टा टी बी है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, जो मोलैलिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मोल्स पे सोल्यूट पे डिपेंड करती है इसका मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर के इंडिपेंडेंट है। और अगर नेचर के इंडिपेंडेंट है तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो जाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन फॉर रिलेशनशिप फॉर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अभी अभी जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने रिलेशन डिराइव किया था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे डेल्टा टी बी जो था हमारा वो था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, के बी था हमारा मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और एम हमारी मोलैलिटी थी। तो इसी रिलेशन को हमने थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटीज़ को यूज़ करके प्रूव करना है। उसके लिए मैं आपको ये डेरिवेशन जो है वो करवा रहा हूँ। अब इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग जो हमें करनी है वो करनी है क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन से। क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन जो है वो हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी 4th semester के अंदर, और इसमें हमारे पास रिलेशन था नेचुरल लॉग P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय आर ब्रैकेट में 1/T1 - 1/T2। तो ये हमारे पास हमारा क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन है। अब इसमें देखो जो P2 और T2 है ना, ये हमारे हायर वैल्यू वाले प्रेशर और टेम्परेचर हैं। जो P1 T1 है वो हमारे लोअर वैल्यूज वाले प्रेशर और टेम्परेचर हैं। तो हायर वैल्यू का प्रेशर टेम्परेचर कौन सा है, लोअर वैल्यू का प्रेशर टेम्परेचर कौन सा है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो टॉपिक आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सबसे पहले P2 और P1 जो है वो हमारे हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे दो सब्सटेंसेस होंगे, एक हमारा सोल्यूट होगा और एक हमारा सोलवेंट होगा। जो हमारा सोल्यूट है, सॉरी, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे, एक हमारा सोलवेंट है और एक हमारा सोल्यूशन है। तो जो सोलवेंट है हमारा
सोलवेंट जो होता है प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। ये हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, कि प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारे सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब सोलवेंट का जो प्रेशर है पी नॉट उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है पी एस उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब पी टू जो है वो हायर वाला वैल्यू वाला सोलवेंट का प्रेशर होगा, पी वन जो है वो लोअर वैल्यू वाला सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने यही बताया हुआ है कि वेन वेपर प्रेशर पी टू इज इक्वल टू पी नॉट, तो यहाँ पे मैंने हायर प्रेशर जो है वो किसका लिया, पी नॉट यानी कि सोलवेंट का वेपर प्रेशर, और जो मेरा वेपर प्रेशर पी वन है वो मैंने किसका लिया, सॉल्यूशन का। वैसे ही मेरे पास दो टेम्परेचर्स हैं टी वन और टी टू, टी वन जो है वो लोअर टेम्परेचर है, टी टू जो है वो हायर टेम्परेचर है। अब हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो हमें पता है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो हायर टेम्परेचर जो होगा वो सॉल्यूशन से रिलेट करेगा और जो लोअर टेम्परेचर होगा वो सॉल्वेंट से रिलेट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हायर टेम्परेचर जो है टी टू वो हमारे सॉल्यूशन के टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है टी एस से, और जो हमारा लोअर टेम्परेचर है टी वन वो हमारा रिलेट कर रहा है सॉल्वेंट के टेम्परेचर से। तो ये जो क्लॉजेस क्लैपेरियन में मेरे पास पी वन टी वन और पी टू टी टू आ रहा था, इनकी वैल्यूज़ के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर्स और टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी चेंज होके, लॉग पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर वन बाय टी नॉट माइनस वन बाय टी एस। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा एच की जगह लिख दिया डेल्टा एच वी, क्योंकि इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं इक्विलिब्रियम लूंगा सॉल्यूशन वेपर का। तो सॉल्यूशन वेपर का इक्विलिब्रियम जो है जिसमें हम सॉल्यूशंस को वेपर में कन्वर्ट करेंगे और वेपर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस हमारा वेपराइजेशन का होता है। और इस प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो होगा हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वी। तो डेल्टा एच वी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को डिपेंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर दी। अब उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, टी नॉट और टी एस का मैंने एलसीएम ले लिया, टी नॉट और टी एस का एलसीएम ले लिया, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल ऊपर टी एस आ जाएगा माइनस एज इट इज, टी एस से टी एस कैंसिल टी नॉट आ जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब टी एस माइनस टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास होता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने टी एस माइनस टी नॉट को क्या लिख दिया, डेल्टा टी भी लिख दिया। अब इसमें देखो टी नॉट और टी एस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट कंसीडर कर लूँगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट के अप्रॉक्सीमेट इक्वल आएगा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हमने सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम ऐड की होगी, जिसकी वजह से हमारे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बहुत ही कम हुआ होगा, इतना कम हुआ होगा कि हम उसको प्रैक्टिकली जो है नेग्लिजिबल मान लेंगे और हमारे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लगभग सेम होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि इफ़ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो मेरे पास आ जाएगा लॉग पी नॉट बाई पी एस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर इन टू डेल्टा टी बी बाई टी नॉट स्क्वेयर, ये मेरी आ जाएगी इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू में मुझे पी नॉट बाई पी एस की वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू द रॉल्ट लॉ हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, पी नॉट बाई पी नॉट जो है वो वन हो जाएगा, वन यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर जब मैं माइनस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू। अब मैंने ये वाली जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थ्री बोल देना है और दोनों साइड पर लॉग जो है वो ले लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स टू। यहाँ पर मैंने लॉग को एल एन लिखा क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम नेचुरल लॉग यूज़ करते हैं, तो नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एल एन सिंबल का यूज़ किया। मेरे पास इक्वेशन है लॉग पी एस माइनस पी नॉट इज इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स टू। अब ये वाली जो मेरी इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है विद इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन। तो ये मैथ के अंदर हमें फॉर्मूला मिलता है, ये हमें एज इट इज़ याद करना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
लॉग वन माइनस एक्स टू, इसके जब हम इनफाइनाइट एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस एक्स टू एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस एक्स टू का स्क्वेयर, फिर माइनस एक्स टू का क्यूब। जो स्क्वेयर वाली टर्म है उसके आगे जो है प्रीफिक्स आएगा हमारे पास कोफिशियंट वन बाई टू, एक्स क्यूब वाली जो हमारे पास टर्म थी उसके आगे कोफिशियंट आएगा वन बाई थ्री। तो ऐसे हम इनफाइनाइट सीरीज जो है वो बना सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम आ रही होगी, जिसकी वजह से उसके मोल फ्रैक्शन की अमाउंट भी कम आएगी, और उस छोटी अमाउंट का जब आप स्क्वेयर और क्यूब करेंगे तो वो वैल्यू हमारी और भी छोटी हो जाएगी, जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस इनफाइनाइट सीरीज में फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो नेग्लेक्टिंग ऑल अदर टर्म्स हमारे पास लॉग वन माइनस एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स टू, जो मैं इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लॉग पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, माइनस यहाँ पे शिफ्ट करूंगा ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे हो जाएंगी तो मेरे पास आ जाएगा लॉग पी नॉट बाई पी एस इज इक्वल टू एक्स टू, जिसे मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर टू के अंदर। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर टू के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर टू में पुट करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई आर डेल्टा टी बी बाई टी नॉट स्क्वेयर। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई जब मैंने इक्वेशन टू में वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व करके मैंने क्या किया, डेल्टा टी बी की वैल्यू निकाल ली, जो मेरे पास आ गई आर टी नॉट स्क्वेयर x2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एच वी। अब यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x2 मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और क्योंकि सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट है तो n1 प्लस n2 जो है वो लगभग n1 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी n2 बाय n1। अब यहाँ पे n2 और n1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास x2 आ जाएगा w2 बाय m2 और n1 आ जाएगा w1 बाय n1। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, x2 की जो वैल्यू आ गई वो मैं इक्वेशन 5 में पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वेयर बाय डेल्टा एच वी डब्ल्यू टू इंटू एम वन डिवाइडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। अब देखो ये जो मॉलिकुलर वेट आ रहा है सॉल्वेंट का, इसको मैं वापस लेके आऊँगा डिनोमिनेटर में और डेल्टा एच वी के डिवाइड में ले आऊँगा। तो जब मैं इसको डेल्टा एच वी के डिवाइड में लेके आऊँगा तो ये वाली मेरे पास जो इक्वेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे W2 टू बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन मेरे पास बचेगा। अब देखो W2 टू बाई एम टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द मोलैलिटी डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैं मोलैलिटी की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट, W1 की वैल्यू 1000 पुट कर दूंगा, W2 by M2 जो है वो मेरे पास हो गए थे नंबर ऑफ मोल्स इन पर के जी सोलवेंट, तो वो आ गई मोलैलिटी। ठीक है, R T नॉट स्केयर बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन 2000। अब देखो मोलैलिटी हमारी एज इट इज रहेगी, ये सारे कांस्टेंट मैं इकट्ठे कर लूँगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट आ जाएगा न्यू कांस्टेंट, और वो नया कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास KB, जो KB होता है मेरा मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। तो जब मैं KB की ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दूंगा तो मेरे पास थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन आ जाएगी हमारे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की। बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।